जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस दिव्यांश पृथ्वी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जब से मैंने क्रेश कोर्स लॉन्च करा तब से मेरे पास कई सारी मैसेजेस की क्यूरीज थी, कई सारी इंक्वायरीज के लिए मेरे पास मैसेजेस थे, ठीक है। और 2 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मेरे ऊपर कोई CBI की इंक्वायरी बैठी है। बट ये सब क्वेश्चंस जायज भी थे क्योंकि आपकी ये ज़िंदगी का सवाल है। जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो जाहिर जो सवाल आपके थे वो सब के सब जायज़ थे। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार क्यों ना एक वीडियो बनाकर मैं इन सवालों के जवाब दे सकूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कॉमन थे, कई सारे डाउट थे, कई सारे बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन्स थी। तो इस कन्फ्यूज़न का निराकरण करने के लिए, इस कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन चीज़ों के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल थे, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन थे मुझसे। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, कई सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर क्रैश कोर्स, जो हमारा क्रैश कोर्स है जिसके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे, इसके रिगार्डिंग ही कई सारी क्वेरीज जो थी वो आई थी, ठीक है। तो एक जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना जरूरी है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था बार बार कि सर क्रैश कोर्स के बिना हमारा सिलेक्शन नहीं होगा कि होगा, कि अगर हम नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक क्वेश्चन कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा गया कि अगर हम इस कोर्स को ज्वाइन नहीं करते या फलाना किसी भी कोर्स को ज्वाइन नहीं करते तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ सर, आपका सिलेक्शन 99% आपका है, 99.99% आपका है। और सिलेक्शन के लिए कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, डेट इज़ पढ़ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज़ सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो चीज़ नहीं करी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन करना, पेड क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है, कोई भी कंपलसरी चीज़ नहीं है आपके सिलेक्शन के लिए। तो फिर एक सेकेंड क्वेश्चन आता है निकल कर कि क्यों हमने क्रैश कोर्स को लॉन्च करा, क्यों हम एक कोर्स वगैरह बना रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, एक कोर्स उन लोगों के लिए है जो नए हैं, एक कोर्स उन लोगों के लिए हमने लॉन्च नहीं करा था जो पेपर दे चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन का। एक कोर्स हमने उन लोगों के लिए ज्वाइन करा है जो नए हैं, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कहाँ पर जाना है, उनके पास गाइडेंस नहीं है, उन्हें पता नहीं है क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या छोड़ें, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हमने कोर्स लॉन्च करा, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे थे इस कोर्स से, क्योंकि वी आर नॉट द टीचर्स सर, हम टीचर्स नहीं हैं, ना मैं हूँ ना मैं दिव्यांश है, हम टीचर्स नहीं हैं, हम खुद एक स्टूडेंट है। और एज ए स्टूडेंट जो परेशानियाँ हमें आई हैं, जो चीज़ हमने फील करी है कि हाँ यार यहाँ पर एक नए बच्चे को दिक्कत हो सकती है, इस पॉइंट पे आके बच्चे को दिक्कत होगी, ऐसे बच्चा रट नहीं सकता चीज़ों को, तो उनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए मैंने और दिव्यांश ने कोर्स क्या करा, आपका स्टार्ट करा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता होगा सर, एक अगर आपके साथ आपके इट्स अ रोड, अगर आपको ये नहीं पता ना कि यार आपको जाना कहाँ है, तो सर आप फिर घूमते रहोगे, आपका जितना भी हार्ड वर्क है वो पूरा का पूरा व्यर्थ है। जिसको हम बोलते हैं ना कि यार दिस इज अ सुसाइडल अटेम्प्ट, कि आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, तो आप अगर कोई चीज़ को कर भी रहे हो ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से क्या एक प्रॉपर हम गाइडेंस दे सकें लोगों को, इस वातावरण से, जो सराउंडिंग्स वाला वातावरण है जिसमें इंसान के, यार इंसान को क्या चाहिए ये कोई नहीं देख रहा, ठीक है। मुझे क्या आता है मैं ही बताने में लगा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे जैसा, इट्स माय रियल एक्सपीरियंस, मैंने भी कई सारे टीचर से पढ़ा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी का प्रॉब्लम है ये कोई नहीं देख रहा है, उसे क्या आता है वो मुझे पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने फील करी है वो ये है के लोगों को यहाँ पर ज्ञानवान बनाने की कोशिश की जा रही है, रादर कि उनका एग्ज़ाम क्लियर करवाया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, जो नए बच्चे हैं जो चाहते हैं वाकई गाइडेंस लेना है कहीं ऐसी चीज़ के लिए, इसके लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च करा मैंने और दिव्यांश ने। हाँ, आप में से अगर कोई भी ऐसा फील कर रहा हो कि उसको गाइडेंस की दिक्कत आ रही हो, कि वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो सर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और
दिस इज द कोर्स इज ओनली 2 या 3 मंथ, 2 मंथ्स मैक्सिमम, मैं तो 2 मंथ का ही मानता हूँ बिकॉज इट्स द क्रश कोर्स. अगर आप 2 मंथ के बाद आपके अंदर एक चेंज आपको महसूस ना हो कोई भी सब्जेक्ट को लेकर, जनरल स्टडीज को लेकर, इंग्लिश को लेकर, तो आप फिर हमसे बात कर सकते हो. या आपको एक नया अप्रोच नहीं मिले कोई भी चीज़ का तो आप हमसे बात कर सकते हो. हाँ, अगर आप में से कोई भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो ये नंबर है मेरा जनरल स्टडीज़ के कोर्स के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. दिव्यांश का नंबर है आपका ये जनरल स्टडीज इंग्लिश के कोर्स के लिए, तो आप दिव्यांश को क्या कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है. और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं वो आपको सेंड कर सकते हो और उसको ज्वाइन कर सकते हो. दोनों ही कोर्सेज क्या हो चुके हैं, आपके स्टार्ट हो चुके हैं. तो ये जो टाइम भगवान ने आपको दिया है, जो गोल्डन टाइम भगवान ने आपको दिया है, इसका आप अच्छे से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. ये पहला क्वेश्चन था जिसमें बच्चे लगातार पूछ रहे थे, तो इसका जहाँ तक मैं ऐसा सोचता हूँ इसका निराकरण मैंने करा. जो सेकेंड क्वेश्चन था जो बार बार पूछा गया था वो था कि सर कोर्स पूरा होगा कि नहीं. सो मैनी एस्पायरेंट्स, सो मैनी स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड मी सर इफ सर जो कोर्स है हमारा विल इट बी कम्प्लीटेड बिफोर द एग्जामिनेशन और नॉट. एक कोर्स जो है वो हमारा एग्जामिनेशन के पहले कम्प्लीट होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो सर जो हमने क्रैश कोर्स है वो डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया है, हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे कि भैया यार साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, साइंस के टाइप्स क्या होते हैं. भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और आपको भी इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर हो, यू आर हेयर फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन. इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आप यहाँ पर लोगों को ये बताने के लिए नहीं हो या ये जताने के लिए नहीं हो कि मुझको कितनी सब्जेक्टिव नॉलेज है, कोई मतलब नहीं है सर. अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो आप रिजर्वायर बन जाना नॉलेज का, भर भर के ज्ञान प्राप्त कर लेना, कोई मतलब नहीं है इस ज्ञान का. तो मैं तो आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि सर पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद जो मर्जी ज्ञान लेना है ना सर लेते रहना. द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर सिलेक्शन, ठीक है. तो पहले वो पढ़ो जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हमने जो कोर्स डिज़ाइन करा है वो इस टाइप से किया है जहाँ पर हम पहले वो चीज़ें करवा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अब आप ये बोलोगे कि हमको कैसे पता कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सर बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दिव्यांश जो है वो 2015-16 से SSC के एग्जाम्स को फेस कर रहा है. मैं खुद 2015 से SSC के एग्जाम्स को कई बार हमने फेस करा है, तो जितना एक्सपीरियंस हमने लिया है, जो हम सराउंडिंग्स में जितना एक्सपीरियंस हमने गेट करा है, उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रखे हैं कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनसे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर उसके बाद उनसे थोड़ी कम. इस टाइप से हमने कोर्स को डिज़ाइन करा है जिससे जब तक आपका पेपर हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका 2 या 3 बार आप इसका क्या कर लो, रिवीजन कर लो. तो सर डेफिनेटली आपका कोर्स जो है वो एग्ज़ाम के पहले पूरा हो जाएगा, ठीक है. आप ट्रस्ट रखिए, अगर हमने इस चीज़ को इस टाइप से ही डिज़ाइन किया है कि आप कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ आप चीज़ों को सीख भी जाओ, ठीक है. जो भी चीज़ आप पढ़ो वो आपको सबकी सब चीज़ें क्या होने लगे, आने लगे, ठीक है. तो ये सेकंड चीज़ थी. थर्ड चीज़ जो पूछी गई, कई सारे लोगों का इस पर नेगेटिव कमेंट्स भी था कि सर अगर आप ऐसा करना ही चाहते हो, ये सब चीज़ें आप करना ही चाहते हो, तो क्यों फीस रखी, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी तो कर सकते थे. बिल्कुल सही बात है, आपकी जो क्योरी है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, बिल्कुल हम इसको फ्री में कर सकते थे. बट द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो था इस चीज़ का वो था सीरियसनेस. हम जो सोच रहे थे कि यार हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, कम से कम इस प्लेटफॉर्म के ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे सीरियस हैं उन सबका सिलेक्शन होना चाहिए. हम ये सोच कर यहाँ पर आए थे कि जितने भी बच्चे से हम क्या बोलते हैं कनेक्ट हों, जितने भी बच्चों को हम पढ़ाएँ, तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं उन सबका सिलेक्शन हो. सिलेक्शन लेने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो सीरियसनेस है. तो हम भी बीच में कई बार सीरियस नहीं हो पाए, हम जब फ्री में या कोई भी बिना पैसों के चीज़ कर रहे थे तो हमें भी ये लगने लगा था यार ठीक है ख़त्म करते हैं. ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा था कि यार ठीक है फ्री में, क्योंकि फ्री की चीज़ समझते हो आप कैसा है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शादी में आप खाना फेंक देते हो, कई बार आपने देखो आपसे खिलेगा नहीं और आप खाना फेंक दोगे. बट कभी आप रेस्टोरेंट में जाके खाना फेंक, आप कभी आपने खाना फेंका है? शायद नहीं, मैंने नहीं फेंका, मुझे पता है. कोई बेकार चीज़ भी आ गई है ढोके से तो मैं उसको पूरा खा के आता हूँ बिकॉज उसके पैसे लगे. तो सर हम अगर थोड़े भी पैसे दे रहे हैं किसी चीज़ में
तो एक सीरियसनेस का कंपोनेंट हमारे अंदर क्या हो जाता है, आपका क्रिएट हो जाता है। तो हमने जो फीस रखी है वो सर इतनी ज़्यादा नहीं है कि कोई दे ना पाए। मेरी 200 रुपये फीस है, दिव्यांश की ऑलमोस्ट 200 रुपये फीस है, जिसको हम अगर हम देखें तो एक दिन के 6 रुपये होते हैं, 7 रुपये होते हैं, जो इतने कम है कि यार कोई भी छोटा सा छोटा इंसान इसको क्या कर सकता है, आपका अफोर्ड कर सकता है। हाँ, अगर आप ये भी चीज़ इन्वेस्ट, इतना भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो मैंने बताया कि कोई भी ऐसा वो नहीं है कि कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे हम आपसे बने रहेंगे, बट एक कोर्स के जरिए हम रेगुलर आपसे जुड़ना चाह रहे थे। इतना हमारी क्या थी, आपकी रिक्वेस्ट है। तो जिन भी लोगों को लगता है कि हाँ यार वो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर डले हुए हैं। कोर्स के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्यूरीज है, वो आप मुझको, दिव्यांश को क्या कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हाँ।